हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC TGT पदों का अलग अलग करेगा रिजल्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, मेवात और शेष हरियाणा कैडर के ऑप्शन अभी भी दे सकते हैं उम्मीदवार। 15 सितंबर तक सभी रिजल्ट जारी करने की है TGT के पदों की तैयारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग TGT पदों का अंतिम रिजल्ट जारी करेगा जो ना 15 सितंबर तक। तो दैनिक सवेरा के ने जो है अध्यक्ष HSSC आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछा है क्या सभी पदों का एक ही साथ रिजल्ट जारी होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, अलग अलग जो पोस्ट हैं सबका अलग अलग रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि दस्तावेज कांच जो जांच थी दोस्तों, दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही थी वो आप सभी जानते हैं खराब मौसम और शेड्यूल के कारण, बारिश के कारण स्थगित हो गई थी, जो दोबारा से 18 जुलाई से शुरू हुई है और 8 अगस्त तक आपकी ये चलेगी। तो इस पर जो है दैनिक सवेरा ने पूछा कि जिन्होंने मेवात या शेष हरियाणा कैडर नहीं भरा था क्या अब वे उस पर जो है ना ऑप्शन दे सकते हैं, तो जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम कमाटी ये पूछ रही है कि कौन सा कैडर उनको हो, तो अभी भी वो उस कैडर के ऑप्शन को दे सकता। फिर पूछा गया कि रिजल्ट कब तक जारी किए जाएंगे, तो TGT के कैटेगरी के सभी पदों का रिजल्ट जो है ना 15 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। अधिकतम रिजल्ट जो है ना अगस्त में ही जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये रिजल्ट 16 अगस्त के बाद जारी होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ही जिस भर्ती का जिस पोस्ट का रिजल्ट तैयार होगा उसे जारी किया जाएगा। ग्रुप डी के लिए लगभग 13.84 लाख ने कराया पंजीकरण, सितंबर में टेस्ट हो, आयोग ने NTA को लिखा पत्र। तो जो ग्रुप डी न्यू रजिस्ट्रेशन हुए दोस्तों उसमें भी तकरीबन 3-4 लाख के करीब और नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उसके बाद ग्रुप सी पदों का कट ऑफ जारी होने के बाद अगर किसी को लगे कि नंबर ज़्यादा हैं तो यह देख ले। तो जो भोपाल सिंह खत्री दोस्तों उन्होंने बताया है कि अगर ग्रुप सी का जो शेड्यूल जारी किया जाएगा एग्ज़ाम शेड्यूल और जो कट ऑफ जारी की जाएगी, अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि उसके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है तो पहले वो अपनी उस जो कैटेगरी जो परीक्षा का लिए भरा है उसने, मान लिए एग्जाम्पल देकर बताया दोस्तों कि किसी ने MCOM है उसमें कंडीशन मांगी गई 60%, यानी 60% के साथ, तो अगर आपके कंडीशन भी ठीक है और आपके कट ऑफ से नंबर भी ज़्यादा हैं और आपका नाम नहीं आया है तो आप आयोग में संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने गलती की है दोस्तों तो आपका नाम न ही आना लाजमी है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी सारी कंडीशन सही है, आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, आपकी जो कंडीशन है उस पोस्ट के लिए वो भी बिल्कुल सही है, तो आपका नाम नहीं आता तो आप आयोग जा सकते हैं या आयोग से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हरियाणा कर्मचारी TGT रिजल्ट से संबंधित न्यूज़ थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।